नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज मीडिया 47 और मैं हूं प्रियंका पांजा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि भारत में कोरोना के कहर को 4 महीनों से अधिक हो गया है। कोरोना काल के दौरान हमारे देश में 4 फेज में संपूर्ण लॉकडाउन की प्रक्रिया हुई। इन लॉकडाउन के दौरान बाजार बंद रहने से लोगों को काफी परेशानियां हुई। जैसा आप सब जानते हैं कि अनलॉक 1 में सीएम अरविंद केजरीवाल द्वारा कुछ शर्तों के साथ दिल्ली के कुछ मार्केट को खोलने की अनुमति दी गई, लेकिन अनलॉक 2 में विशेष गाइडलाइंस और सावधानियों के साथ सभी मार्केट्स को खोलने की अनुमति दी गई। तो आइए देखते हैं अनलॉक 2 के बाद मार्केट्स का हाल। जैसा कि आप जानते हैं, दिल्ली में अनलॉक 2 के बाद अधिकतर मार्केट्स खुल गई हैं और आज हम आपको लेकर चलते हैं सेंट्रल मार्केट लाजपत नगर में। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर सारी दुकानें खुल चुकी है और लोगों का आना भी शुरू हो चुका है। सभी लोगों ने मास्क तो लगा रखा है, पर सोशल डिस्टेंसिंग कहीं कहीं देखने को मिल रही है। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं घड़ी बेचने वाले दुकानदार से। भैया, क्या आप बताएंगे कि अनलॉक 2 के बाद मार्केट खुलने पर आपका काम कैसा चल रहा है? बिल्कुल नहीं है, जैसे पहले था। संडे वाले दिन या सैटरडे वाले दिन तो काम बहुत अच्छा होता था। अब की कस्टमर तो मतलब की देखना, मतलब की 5-6 बजे बोनी करी हमने पहली घड़ी बेची है। बिल्कुल काम बिल्कुल नहीं है, मार्केट बिल्कुल खाली भरी हुई है। सुबह से लेके दोपहर तक तो कस्टमर होता ही नहीं है। 5-6 बजे के बाद कस्टमर अगर हो तो जो सैटरडे संडे वाले दिन तो पैर रखने की जगह नहीं होती थी, इतनी भीड़ होती थी। जैसा कि मैं देख रही हूँ, मार्केट में लोगों की भीड़ तो है, तो क्या लोग ऐसे ही घूमने आ रहे हैं या खरीदारी भी कर रहे हैं? मैडम, कस्टमर ज़रूरी सामान ही ले रहा है, ये तो ये हो गया, शॉप वाली बात हो गई। अगर जो चीज़ बंदे को नीड है वही चीज़ ले रहा है। अगर बात करो विंडो शॉपिंग की या शॉप पूरे करने की तो वो चीज़ नहीं हो रही है। भैया, तो आप बताएंगे कि जब भी आपके दुकान पर कोई कस्टमर आता है तो क्या वो मास्क लगाता है या आप लोग अपनी दुकान को सैनिटाइज करते हैं? प्रिकॉशन मैडम जितना हो सकता है मास्क का ले सकते हैं, 24 घंटे सैनिटाइजर तो रख नहीं सकते, तो जितना प्रिकॉशन ले सकते हैं वो तुरंत दे रहे हैं। आइए अब मिलते हैं इन भाई साहब से जो मार्केट में घूम घूम कर अपने सामान को बेच रहे हैं। भैया, कोरोना में आपका काम कैसा चल रहा है, पहले जैसे ही है या कम हुआ है थोड़ा? मैडम, हम तो गाँव गए थे, यहाँ से अपनी जान बचाए गाँव से गए, वापसी आए, वहाँ गाँव में भी पैसे नहीं है, यहाँ पे आए मैडम, काम धाम कुछ नहीं है जी। सरकार हमारे बारे में कुछ सोच नहीं, गरीबों के बारे में भुखमरी कतार में खड़े मैंने घर में घूम रहे, छोड़ा बेचने बच्चों पालन पोषण के लिए कुछ काम धाम नहीं है, काम बिल्कुल भी नहीं है मतलब। पर जैसे आप देख रहे हो भीड़ तो पूरी हो रही है, फिर जैसा कि आपने सुना और देखा, काम ना होने की वजह से ये भैया मजबूरन घूम घूम के बैग बेच रहे हैं। और इनका कहना ये भी है कि गांव में काम नहीं है और सरकार भी इनके बारे में कुछ नहीं सोच रही। तो आइए आगे चलते हैं मार्केट के दूसरे हिस्से में और जानते हैं बाकी दुकानदारों का क्या कहना है। पहले से काम 40% ठीक है, भीड़ भी बढ़ गया है, काम इतना नहीं है जो टाइम लगेगा हो जाएगा, और काफ़ी दिन इंतजार नहीं है, अब कोरोना ख़त्म होने वाला है तो काम बढ़ जाएगा। मतलब अभी तक आपका काम बढ़ रहा है जी, ठीक चल रहा है, मतलब इतना असर नहीं है कोरोना का? असर उतना नहीं है, धीरे धीरे सही हो जाएंगे। ठीक है, ठीक, कुछ दिन टाइम लगेगा इसका। भैया, क्या आप बताएंगे कि अनलॉक 2 के बाद मार्केट खुलने पर आपका काम कैसा चल रहा है? मतलब खर्चा पानी निकलना मुश्किल हो रहा है मैम। अच्छा, तो भीड़ है उतनी या कम है? भीड़ कहाँ है, देख तो रहे, पूरा 4 फ्लोर की दुकान खाली पड़ी है। हाँ, और मतलब जैसे अगर आपका कोई भी कस्टमर आपकी दुकान पे आता है तो वो मास्क पहन कर आ रहा है, सैनिटाइजर लेकर आ रहा है? जी बिल्कुल, हम भी रखे हुए हैं, वो भी लेके आ रहे हैं। आप भी अपनी सैनिटाइज करते हैं दुकान थोड़ी थोड़ी देर में? बिल्कुल। ठीक है, तो मतलब काम का स्टेटस अभी बेकार है? अभी बहुत बुरा है, अगर किराए पे हो तो समझ लो कि कुछ भी नहीं है, तो अपना है तो चलो थोड़ा बहुत जो सेल हो रहा हो अपने घर का ही खर्चा निकल रहा है। जैसे कि आपने देखा और सुना कि कुछ दुकानदारों का कहना है कि उनका काम बिल्कुल नहीं चल रहा, और कुछ ने कहा कि उनका काम धीरे धीरे पहले की तरह हो रहा है। मैं देख रही हूँ कि लोग घूमने के साथ साथ बाहर का स्ट्रीट फूड भी खा रहे हैं। ये है सेंट्रल मार्केट लाजपत नगर के मशहूर मोमोज की दुकान। आप देख सकते हैं कि यहाँ खाने वालों की कितनी भीड़ लगी है। लोगों को कोरोना का कोई डर नहीं है, जो इस भीड़ को देखकर आप लोग समझ सकते हैं। दूसरी तरफ ये भीड़ जो आप देख रहे हैं वो गोलगप्पे खाने वालों की भीड़ है।
जैसा कि हमने देखा, लोगों ने धीरे धीरे कोरोना के साथ जीना सीख लिया है और हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में हालात बेहतर होंगे। आज की रिपोर्ट में इतना ही। घर पर रहें, स्वस्थ रहें और देखते रहें न्यूज़ मीडिया 47।